चलिए आज वचन में जाने के पहले हम लोग प्रार्थना कर ले। पिता परमेश्वर, आपको फिर से धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु बात बात में प्रभु आपका जब भी क्रूस याद आता है हम आपको धन्यवाद ही दे सकते हैं प्रभु। हम योग्य नहीं थे प्रभु। प्रभु बहुत लोग में ये गलत फहमी रहता है प्रभु कि आप हमने कुछ योग्यता देखे और उस वजह से आप क्रूस पे गए। नहीं प्रभु, हमारे अंदर ऐसा कुछ खूबी था ही नहीं। इनफैक्ट प्रभु आपका क्रूस ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि हमारे अंदर कोई खूबी ही नहीं था, क्योंकि वो क्रूस आपका नहीं लेकिन वो हमारा जगह था प्रभु। हमें वहां रहना चाहिए था लेकिन आप हमारा जगह ले लिए। धन्यवाद प्रभु। और इस समय हम लोग प्रार्थना करते हैं कि आप उस दया कवेदी के ऊपर से प्रभु हम में से हर एक से बातें कीजिए प्रभु। आप हरेक का जीवन, हरेक का दिल को जानते हैं, पहचानते हैं। आप हरेक के साथ, हरेक के मन और विचारों के साथ आप परिचित हैं प्रभु। आप दिल का बोझ को जानते हैं, आप हरेक का उलझन को जानते हैं प्रभु। और प्रार्थना करते हैं इस समय आप हरेक से आप अपने गहरे बातें कीजिए प्रभु। मैं तो बस मनुष्य हूं लेकिन आपका आत्मा प्रभु ये काम कर सकता है। और प्रभु इस समय प्रार्थना करते हैं आप हमें अपनी ओर खींचिए। आप बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा यहाँ पे उंडेलिए प्रभु हरेक के ऊपर, और अपना वचन, आपका वचन को यहाँ पे प्रकट कीजिए प्रभु। अपने आप को प्रभु अपने वचन के द्वारा प्रकट कीजिए। आपका लोग यहाँ पे हरेक पे छिड़कते हैं। हरेक भटकाने वाली नींद की आत्मा को भी यीशु मसीह के नाम से बांध देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन। आपको याद होगा कि हम लोग पढ़ रहे हैं इस विषय में कि यीशु मसीह कैसे 3.5 साल में अपने चेलों को तैयार किए ताकि अंत में वो यीशु मसीह के गवाह ठहरे। That they become the witnesses of Jesus Christ. और विटनेस बनने के लिए याद है 3 चीज जरूरी है। वो 3.5 साल में जो यीशु मसीह उनके जिंदगी में किए, चेलों की जिंदगी में किए। पहला चीज था ट्रेनिंग। ट्रेनिंग हमें क्या सिखाता है? परमेश्वर के मार्ग, परमेश्वर के तौर तरीका। हमें परमेश्वर का ट्रेनिंग के द्वारा, यीशु मसीह जो ट्रेनिंग अपने डिसाइपल्स को दिए उसके द्वारा चेले सीख पाए परमेश्वर के मार्ग कैसे मनुष्यों के मार्ग से अलग है, कैसे आपके मेरे सोच विचार, संसार के सोच विचार से कितने अलग है, कितने अलग। बात बात में आप देखते हैं कि यीशु मसीह का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था, बिल्कुल अलग था। एंड दूसरा चीज एनॉइंटिंग कि परमेश्वर का काम परमेश्वर के तरीके में किया जाएगा, परमेश्वर के अनुसार किया जाएगा और परमेश्वर के सामर्थ्य से ही किया जाएगा। आपका और मेरा ताकत, आपका और मेरा बुद्धि, आपका और मेरा समझ, हमारा मेंटल स्ट्रेंथ, हमारा फिजिकल स्ट्रेंथ, हमारा फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, हमारा इमोशनल स्ट्रेंथ, ये सबसे नहीं किया जाएगा। मैं चिल्ला चिल्ला के यहाँ पे गला फाड़ के बोल सकता हूँ, मैं यहाँ पे रो सकता हूँ, मैं यहाँ पे ड्रामा कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे इमोशनली लोग को भावुक कर सकता हूँ, लेकिन वो परमेश्वर का काम उससे नहीं होने वाला है। परमेश्वर का काम लोगों को भावुक करने से नहीं होने वाला है। परमेश्वर का काम लोगों को एजिटेट करने से नहीं होने वाला है। परमेश्वर का काम धन का भरोसे नहीं होने वाला है। परमेश्वर का काम मनुष्य का कोई नया बढ़िया आइडिया से नहीं होने वाला है। ये नया तरीका मिनिस्ट्री करने का नया नहीं, परमेश्वर का काम हमारा स्मार्ट आइडिया से नहीं होने वाला है। परमेश्वर का काम केवल उनके सामर्थ्य के द्वारा ही होगा। एनॉइंटिंग कोई भी दूसरा किस्म, पुराना नियम में कोई भी दूसरा किस्म का तेल या दूसरा किस्म का आग जब वेदी के पास लाया गया था तो याजक जल जाते थे, याजक जल के मर गए थे, क्योंकि परमेश्वर बोले कि जो मेरे पास मेरे समीप आएंगे मैं उनमें पवित्र रहूंगा, मैं उनके द्वारा लोगों के सामने पवित्र रहूंगा। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम लोग ये समझे कि सब कुछ परमेश्वर के अनुसार। और तीसरा चीज सेंडिंग, पहला ट्रेनिंग, दूसरा एनॉइंटिंग, तीसरा चीज भेजना, सेंडिंग, यानी कि पूरा का पूरा चीज परमेश्वर के अधिकार के अधीनता में ही होगा, परमेश्वर के अधिकार के अधीनता में ही होगा। यानी कि परमेश्वर के काम परमेश्वर के मार्गों और परमेश्वर के तौर तरीका के अनुसार किया जाएगा, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा किया जाएगा और परमेश्वर के अधिकार के अधीनता में ही किया जाएगा।
जब मुझे लगता है, जब मेरे लिए कन्वीनियंट समय है, जहां मैं जाना चाहता हूं, जिससे मैं बात करना चाहता हूं, उसके अनुसार नहीं। सब कुछ परमेश्वर के अनुसार, सब कुछ परमेश्वर के अनुसार। और जैसे हम लोग अनॉइंटिंग के विषय में पढ़ रहे हैं, अभिषेक के विषय में पढ़ रहे हैं, एक बहुत ही बड़ा हिस्सा अभिषेक को पाने का, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण उसका एक ये शिक्षा है कि परमेश्वर का प्रतीक्षा कैसे हम लोग लगातार हमें परमेश्वर का प्रतीक्षा करना है। हाँ, ये वही ओल्ड फैशन चीज है फास्टिंग, मेडिटेशन और प्रेयर का, लेकिन यीशु मसीह अपने चेलों यानी कि जो प्रेरित है वो लोग यही किए, वो लोग कोई नया तरीका नहीं अपनाए। फास्टिंग, मेडिटेशन और प्रेयर, यही वो तरीका था। यरमिया का 6:16, यरमिया का 6:16, ओके। यहोवा यो भी कहता है, सड़कों पे खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। पर उन्होंने कहा, हम उस पर नहीं चलेंगे। आई वॉन्ट द कैमरा टू बी इन द मिडल, ओके। वहां पे लिखा हुआ है कि तुम प्राचीन काल के अच्छे मार्ग पे चलो, प्राचीन काल के अच्छे मार्ग पे, नॉट कि आप नया मार्ग ढूंढे। यहां पे बार बार परमेश्वर बोल रहे हैं प्राचीन काल के अच्छे मार्ग पे चलो, यानी कि आपको और मुझे वापस वचनों में जाके ढूंढना है कि प्रभु आपका तरीका क्या था, प्रभु आपका तरीका क्या था। और यहां पे इसको बोला जाता है परमेश्वर का प्रतीक्षा करना, परमेश्वर का बाट जोना, यू नो। और आई वॉन्ट यू टू सी मती का 4 अध्याय, मती का 4 अध्याय पहला ही पद से हम लोग पढ़ेंगे। सेवकाई में जाने के पहले, सेवा शुरू करने के पहले यीशु मसीह क्या किए, तब उस समय आत्मा, अभी जस्ट यीशु मसीह बपतिस्मा पाए हैं और लिखा हुआ है तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलिस उसकी परीक्षा करे। आगे वह 40 दिन 40 रात निराहार यानी कि उपवास में रहा, अंत में उसे भूख लगी। लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह को उपवास में अगुवाई की, फास्टिंग में अगुवाई की। यीशु मसीह को अभी क्या काम के लिए तैयार किया जा रहा है? द ग्रेटेस्ट मिनिस्ट्री, इससे बड़ा कॉल किसी का नहीं है, इससे बड़ा बुलाहट और किसी का नहीं है, इससे ज्यादा जरूरी काम और किसी का नहीं। एज इंपॉर्टेंट एज आपको अपना आपका काम लगे, यू नो, एंड रिमेंबर एवरी वर्क, जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, वेदर सेक्युलर जॉब या मिनिस्ट्री, वट एवर इट इज, यू नो, गॉड विल का मतलब ये नहीं है कि इट इज जस्ट फुल टाइम मिनिस्ट्री। नो, वी नो कि परमेश्वर बोल रहे हैं कि हरेक काम पवित्र होना चाहिए, हरेक काम पवित्र होना चाहिए, यानी कि परमेश्वर हरेक काम के द्वारा, और आप पुराना नियम में देखेंगे, गॉड यूज शेपर्ड्स, गॉड यूज किंग्स, परमेश्वर कारपेंटर, यीशु मसीह खुद 30 साल का उम्र तक क्या थे? कारपेंटर, बढ़े थे, यू नो, मैथ्यू टैक्स कलेक्टर था। तो गॉड वॉज यूजिंग पीपल इन एवरी प्रोफेशन। पुराने नियम में आप देखेंगे कि नहमाया एक गवर्नर था, डैनियल भी एक सेक्युलर जॉब कर रहा था, गवर्नमेंट एक सरकारी नौकरी था। तो यू विल सी कि सब लोग का अलग अलग काम, अलग अलग नौकरी था, बट गॉड यूज देम, परमेश्वर उनको इस्तेमाल किया। द पॉइंट इज दिस, जितना बड़ा काम, यूजली लोग चर्च अवॉइड करते हैं, बाइबल अवॉइड करते हैं, फास्टिंग प्रेयर अवॉइड करते हैं, प्रार्थना अवॉइड करते हैं, बोल के कि उनका काम ज्यादा जरूरी है, यू नो। बट यहां पे आप देखिए, यीशु मसीह से ज्यादा जरूरी और किसी का काम नहीं। एंड इससे मुझे ये पता चलता है कि आपका काम जितना ज्यादा जरूरी है, उतना ज्यादा आपको इस आपको परमेश्वर का काम करने पे भरोसा करना चाहिए और ना कि आपका काम करने पे। Did you understand? The more important the work, the more you need to rely on God's working and not your own working. शैतान हम लोग को हमेशा बोलेगा तुम्हारा काम जरूरी है, तुमको काम करना है,
नहीं नहीं नहीं, वहां पे शैतान को बोलिए रुक जाओ, हाँ मेरा काम जरूरी है, हाँ मेरा काम जरूरी है, लेकिन अगर मेरा काम जरूरी है उसका मतलब है कि लॉर्ड आई नीड यू टू डू इट, मैं चाहता हूं कि आप, यू नो मार्टिन लूथर का कि शायद मैं बहुत बिजी हूं, बहुत काम करना है, लेकिन अगर दिन का मैं पहला 3 घंटा प्रभु को नहीं दिया, अगर मैं नहीं दूं तो शैतान पाला पलट देगा, शैतान आगे निकल जाएगा। सर्वेंट्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के दास, ये एक चीज अपना जिंदगी में पहचाने कि काम जितना भी ज्यादा मुश्किल उतना ज्यादा उनको परमेश्वर के काम करने पे भरोसा करना है, ना कि खुद का काम करना है। यू नीड गॉड टू वर्क इन योर वर्क, यू नीड गॉड टू वर्क इन योर सिचुएशन, आपके परिस्थिति में। एंड दैट इज व्हाई यू विल सी कि यीशु मसीह पहले उपवास प्रार्थना में गए। व्हाई? प्रेरितों का 10:38 और वहां पे आप देखेंगे लिखा हुआ है यीशु मसीह के बारे, परमेश्वर कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। ओके, वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। यीशु मसीह एक चीज रियलाइज किए, इफ आई रियली वॉन्ट टू सर्व गॉड, इफ आई रियली वॉन्ट टू सर्व पीपल, अगर मैं सच में परमेश्वर का सेवा करना चाहता हूं और लोग का सेवा करना चाहता हूं, लाइक लेट्स से यू आर वर्किंग इन टाटा स्टील, अगर आपको सिर्फ लोहा बनाना है, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन लेट्स से कि आप वहां पे एक इंजीनियर हैं, बट परमेश्वर आपको वहां पे एक खास वजह से रखा है, यू आर अ प्रोजेक्ट मैनेजर, आप एक डिपार्टमेंट का हेड है, आप एक एचआर है वहां पे, आप अलग अलग वहां पे जो भी आपका पोजिशन है, लेकिन परमेश्वर का वहां पे आपके एक खास वजह से आपको रखे हैं, वहां पे ज्योति बनने के लिए, वहां पे नमक बनने के लिए, वहां पे छुटकारा लाने के लिए। शायद आप बिजनेसमैन है एंड परमेश्वर चाहते हैं कि आपका बिजनेस के द्वारा जो समाज में जो अन्याय है, जो समाज में जो अन्याय है उसको तोड़े, जो आर्थिक अन्याय है, जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, परमेश्वर उसको तोड़े, जो इकोनॉमिक बॉन्डेज है लोगों के ऊपर, जो चिंता लगा हुआ है लोगों के ऊपर टाटा स्टील में या वेर एवर यू आर वर्किंग, परमेश्वर चाहते हैं उसको तोड़े। बट यू हैव टू रियलाइज वो इनइक्वालिटी जो है, वो टेंशन जो है, वो चिंता जो है, वो शैतान वहां पे खड़ा किया है। नो, इट इज नॉट जस्ट हम टाटा स्टील में काम किया और अपना दशमांश लाके चर्च में दे दिए। नो, आई विश इट वॉज सो ईजी, पुराना नियम में उतना आसान था, लेकिन नया नियम में इट इज डायरेक्ट बैटल अगेंस्ट द एनिमी, वेर परमेश्वर आपको एक जगह में डाले हैं, वहां पे शैतान जो पिस रहा है लोगों को, वहां पे चिंता के द्वारा अलग अलग बोझ उनके ऊपर डाल दे रहा है। इनफैक्ट इवन आपको चर्च में डाला गया है, एक एक क्रिश्चियनिटी में डाला गया, आपको ये रिलीजियस सिस्टम में भी डाला गया है। कम, बहुत कम ट्रू बिलीवर्स हैं इस बड़ा सा रिलीजियस सिस्टम क्रिश्चियनिटी में, जो एक बहुत सा बड़ा चक्का जैसा है जो लोग को पीसते जा रहा है, जहां पे लोग वचन से ज्यादा अपना अधिकार चला रहे हैं, जहां पे लोग वचन से ज्यादा अपना राय बांट रहे हैं, यू नो, और ये चक्का लोग को पिसते जा रहा है, पिसते जा रहा है, पिसते जा रहा है, पिसते जा रहा है। एंड यीशु मसीह जब आए, वो मंदिर को साफ कर दिया, वहां का इकोनॉमिक सिस्टम को तोड़ दिया। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि हम लोग को एक बहुत ही वैसा खराब किस्म का कुछ मतलब कि वैसा रेडिकल चीज करना है जब तक कि परमेश्वर को बुलाहट नहीं मिले, लेकिन हर एक क्षेत्र में हम लोग को ज्योति बनना है, और अगर हम लोग ज्योति बनेंगे तो जब लोग बोलेंगे तुम्हारा काम नहीं है वहां पे बोलने के लिए, जब बाकी लोग अग्री कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं अग्री कर रहे हो? क्योंकि मैं ज्योति हूं, क्योंकि मैं नमक हूं, इसीलिए मैं चुप नहीं रह सकता, क्योंकि जो अंदर से उल्हाना आ रहा है वो मेरा नहीं, वो पवित्र आत्मा का उल्हाना है। तो जब क्षमा कीजिएगा, तो जब किसी का फायदा उठाया जा रहा है, चाहे वो टाटा स्टील में हो, चाहे वो कलीसिया में हो, चाहे वो जहां भी हो, अगर किसी का फायदा उठाया जा रहा है
तब मुझे बोलना पड़ेगा, तब मुझे कुछ करना पड़ेगा, तब मुझे बताना पड़ेगा कि नहीं, हाँ बाइबल में बताया गया है सही तरीका जो अपनाना है, सही तरीका जो अपनाना है। क्योंकि यीशु मसीह बार बार बोले कि हमें वो अच्छा सामरी बनना है, यीशु मसीह बार बार हम लोग को दिखाए हमें कैसा चलना है। एंड आप जब इसमें चलेंगे तो आप देख पाएंगे कि आप तब ज्योति और नमक बन रहे हैं। और अगर, और वचन में लिखा हुआ है कि अपना ज्योति को छुपाओ मत, टोकरी के अंदर मन ढांपो, एंड वहां पे आपको खड़ा होना पड़ेगा। आर यू सीइंग कि इट इज नॉट एज इजी एज हम महीना के एंड में हमको सैलरी मिला और तब हम फर्स्ट संडे जाके दे दिए। नो नो, आपको जान को जोखिम में, अपना जॉब को भी जोखिम में डालना पड़ेगा, सब कुछ को। और वहां पे बात हो जाता है कॉम्प्रोमाइज का, वहां पे बात हो जाता है कि हम लोग बहुत बार वहीं पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, अलग अलग जगह में वहां पे हम लोग अलग हो जाते हैं। लेकिन वही चीज तो परमेश्वर चाह रहे थे, ये नहीं कि हम लोग को अलग होना है क्योंकि हम लोग को बस अलग होने का मन है, नहीं, परमेश्वर का वचन के अनुसार हम लोग को चलना है, परमेश्वर का वचन के अनुसार चलना है। और आपका विवाद करने से, आपका किसी को समझाने से, आपका ये सब चीज से दुनिया नहीं बदलने वाला है। क्योंकि आपको जानना है कि कोई बॉस के वजह से टाटा स्टील में प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, कोई करप्ट रिलीजियस लीडर के वजह से चर्च में प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, जो भी हम लोग बस वही लोगों को देख पा रहे होंगे, कोई खराब कंपनी का मैनेजर की वजह से प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। शैतान अपना हाथ, अपना उंगली सब जगह फैलाया हुआ है। शैतान एक मकड़ा जैसा है जिसका बहुत लंबा, एक ऑक्टोपस जैसा है जिसका बहुत लंबा पहुंच है। एंड यीशु मसीह डिसाइड किए, यीशु मसीह जैसे ये जाने, उनको ये मालूम था पहले हमको शैतान को हराना है, पहले हमको शैतान को हराना है। इसीलिए कोई भी काम करने के पहले यीशु मसीह जानते थे प्रोग्राम्स, सेमिनार्स, लेक्चर्स, हीलिंग, मिरेकल्स, ये सब कुछ भी सच में इफेक्टिव नहीं होगा जब तक कि मैं पहले शैतान को नहीं हराऊं। जब तक मैं शैतान को पहले नहीं हराऊं, ये सब बिल्कुल बेकार है। फास्टिंग एक, यू नो, संसार जब फास्टिंग के बारे और प्रेयर के बारे सोचता है, यू नो, इट्स लाइक यू विल सी बड़ा बड़ा 5-star होटल्स में योगा रूम, मेडिटेशन रूम, यू नो, दैट्स नॉट द क्रिश्चियन आइडिया ऑफ फास्टिंग एंड मेडिटेशन। यीशु मसीह को देखिए, वो जब उपवास किया, तीसरा पद में क्या लिखा हुआ है, मती का 4:3, परखने वाला पास आकर उसे कहा, देखें फास्टिंग यानी कि यू विल, आप रियली फास्टिंग में जा रहे हैं, एंड व्हाट काइंड ऑफ फास्टिंग, वो किस्म का फास्टिंग जिसका शुरुआत पवित्र आत्मा की है। यू नो, शैतान हर एक किस्म का फास्टिंग को नहीं रोकने वाला है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, शैतान हर एक किस्म का फास्टिंग में वो टांग नहीं अड़ाएगा, वो बीच में आके परखेगा नहीं। लेकिन ऐसा किस्म का फास्टिंग जहां पे एक व्यक्ति डिसाइड कर ले प्रभु प्रोग्राम कुछ नहीं करने वाला है, प्रभु मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है, प्रभु आप ही शैतान का हाथ को यहां पे तोड़ सकते हैं, यू नो व्हाट, हाउ दैट विल लुक लाइक। और एक्चुअली होता क्या है, यूजुअली हम लोग जो करते हैं इज लाइक, पहले हम लोग प्लान कर लेते हैं, ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सब कुछ हो गया, एंड देन फास्टिंग कर रहे हैं, राइट, वी डू दैट टू, यू नो। नाउ द प्रॉब्लम विद दैट इज, अगर हम लोग वैसा करते हैं तो वी आर आस्किंग फॉर गॉड्स ब्लेसिंग, नॉट फॉर गॉड्स विल। बट अगर फास्टिंग पहले किया जाए तब यू आर नॉट आस्किंग फॉर गॉड्स ब्लेसिंग ओनली, यू आर सेइंग गॉड आपका इच्छा क्या है। हम कुछ प्रोग्राम नहीं किए, हम कुछ प्लान नहीं किए, हम, मेरा कोई आइडिया, मेरा कोई फाइनेंसेस, ये सब नहीं, प्रभु आप अपना प्लान बताइए पहले, आप प्रकट कीजिए, प्रभु मैं प्रकाशन के लिए रुका हूं, आप बताइए प्रभु। बट इफ यू वेट टिल द एंड एंड देन यू डू योर फास्टिंग आफ्टर एवरी प्लानिंग, तब चलो मीटिंग आने वाला है, लेट्स डू एन ऑल नाइट प्रेयर, देन द प्रॉब्लम इज यू आर डूइंग दैट ऑल नाइट प्रेयर फॉर गॉड्स ब्लेसिंग।
राइट, एंड वहां पे शैतान उतना प्रॉब्लम नहीं करेगा. बट इफ यू से गॉड सब कुछ आपके हाथ में, पहला चीज हम फास्टिंग प्रेयर कर रहे हैं, तब शैतान आके प्रॉब्लम करना शुरू करेगा. एंड यू नो व्हाट, इसीलिए इन आवर चर्च थोड़ा सा हम लोग अलग है. मतलब पीपल लाइक क्या के लिए फास्टिंग कर रहे हैं, मतलब एंड इट्स नॉट फॉर अ प्रोग्राम, इट्स नॉट फॉर अ प्रोग्राम. हम लोग एक फास्टिंग ये प्रोग्राम के लिए नहीं कर रहे हैं. हम लोग जो इस समय एक फास्ट में, ये प्रोग्राम के लिए नहीं है, यू नो. एंड बहुत बार वी कम टू द एंड ऑफ आवरसेल्फ, लाइक हम लोग का ये समझ से बाहर है कि प्रभु कर क्या रहे हैं तब फास्टिंग. हम लोग जब पवित्र आत्मा हम लोग को फास्टिंग में अगुवाई करता है, हम लोग परमेश्वर की इच्छा के लिए फास्टिंग कर रहे हैं. हम लोग देख पा रहे हैं क्या जरूरत है, हम लोग देख पा रहे हैं शैतान क्या कर रहा है इस शहर में, हम लोग की जिंदगी में, कलीसिया में क्या कर रहे हैं. नॉट जस्ट ये कलीसिया, हर एक कलीसिया में शैतान क्या कर रहा है. एंड वी आर प्रेइंग अगेंस्ट दैट. हम लोग ये जान लिए हैं कि प्रभु हम लोग का प्रोग्राम्स कुछ नहीं कर सकता है, हम लोग का बुद्धि कुछ नहीं कर सकता है, हम लोग का विवाद करना, हम लोग का तर्क वितर्क करना, ये कुछ नहीं कर सकता है. जब तक प्रभु आप शैतान को हराते नहीं है, कुछ नहीं होने वाला. एंड दैट इज वाई वी फास्ट एंड प्रे. यीशु मसीह को देखिए, पहला काम वो जो किए वो था परमेश्वर के लिए रुकना, परमेश्वर पे प्रतीक्षा करना. प्रेरितों का 9:8-9 प्रेरित पौलुस को देखते हैं. इसके पहले उस नगर में शमौन नाम एक मनुष्य था जो चैप्टर 9:8-9 था. तब शॉल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ नहीं दिखाई दिया, और वे उसके हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए. नेक्स्ट वर्स, और वह 3 दिन तक देख ना सका और ना खाया ना पिया. अभी अभी उद्धार पाया और क्या करना शुरू किया, फास्टिंग शुरू. रियलाइज है, इसको परमेश्वर अभी तक बताए नहीं है. ये पूछा प्रभु मैं क्या करूं, गॉड डिड नॉट टेल हिम. उसको बस बोले तुम वहां जाओ. अब वहां पहुंच गया है, एंड व्हाट इज ही डूइंग, फास्टिंग एंड प्रेयर. आर यू एट अ पॉइंट इन लाइफ? नाउ रिमेंबर, आई एम नॉट सेइंग दिस फॉर पीपल इन मिनिस्ट्री, नहीं, दिस फॉर एवरीवन. इफ गॉड हैज, अगर परमेश्वर आपको एक ऐसा जगह में लाए हैं, वन प्रदेश में लाए हैं, जहां पे यू आर सीइंग लॉर्ड आई डोंट नो, ये पूरा बंजर जमीन है, ये मुझे कहीं पे भी उपजाऊ भूमि नहीं दिखाई दे रहा है, आई डोंट नो कहां जाना है, क्या आगे जाऊं क्या पीछे जाऊं, क्या नया रास्ता खुलने वाला है, क्या होने वाला है प्रभु मुझे नहीं मालूम. इफ गॉड हैज ब्रॉट यू टू अ विल्डरनेस, देन नो इट इज टाइम फॉर यू टू फास्ट. No, it is time for you to fast. Problem ये हो गया है कि जब हम लोग एक ऐसा समय में आ जाते हैं, when we don't see any future, जब हम लोग देखते हैं लाइफ में प्रॉब्लम आ गया है, लाइक यू नो शादी नहीं हो रहा है, इनकम नहीं बढ़ रहा है, ये जॉब में रहे या नहीं रहे, कहां जाना है, क्या करना है, लॉर्ड समझ नहीं आ रहा है क्या करना है. यूजुअली ऐसा समय में हम लोग क्या करते हैं, वी पुट मोर ट्रस्ट ऑन काउंसिलिंग रादर देन गॉड. वी कॉल पास्टर्स, वी गो टू स्पिरिचुअल पीपल एंड वी से काउंसिलर्स, वी डिस्कस आवर प्रॉब्लम्स. दैट इज द प्रॉब्लम. यू नो बाइबल में लिखा हुआ है, कॉल एल्डर्स एंड कन्फेस योर सिंस. वी कॉल एल्डर्स एंड कन्फेस आवर प्रॉब्लम्स, राइट. प्रॉब्लम्स के लिए यीशु मसीह क्या बोले, अपना सारा केयर्स, हाँ सारा चिंता यीशु पे डाल दो. पाप को कन्फेस करने के लिए किसी को कॉल करो. हम लोग उल्टा, नो वी आर वेरी स्पिरिचुअल, लेकिन उल्टा कर दिए हैं. पाप आप जानिए और कोई नहीं, मेरा चिंता सब लोग जाने. कहीं से भी हेल्प आ जाए, कहीं से भी द्वार खुले. एंड यीशु मसीह बिल्कुल उल्टा बोले. Now, I'm not saying you should not call pastors and tell them your problems, healing चाहिए,
शादी होना है बेटा का बेटी का जॉब के लिए, नहीं आई एम नॉट सेइंग कि वो मत कीजिए, लेकिन यहाँ पे व्हाट वी डू इज कि हम लोग अपने प्रॉब्लम्स के लिए पहला चीज फोन उठाएंगे, पहला चीज फोन उठाएंगे, काउंसलिंग लेंगे. डोंट वी डू दैट? वी रन टू द फोन एंड वहां पे परमेश्वर बोल रहे हैं व्हाई नॉट फास्टिंग एंड प्रेयर. वाई? क्या परमेश्वर को नहीं मालूम है कि आपका जिंदगी में आप कौन सा पड़ाव में आए हैं? मालूम है. इनफैक्ट वही लाए हैं वन प्रदेश में, इसराइलियों को परमेश्वर खुद लाए. आई रियली वॉन्ट टू आस्क यू, क्या आप अपना जिंदगी में यू रियली डोंट नो योर पर्पस? यू रियली नीड टू बी ऑनेस्ट इफ यू डोंट नो योर पर्पस. ओके, यहां पे शायद कुछ लोग बोले आई नो आई हैव अ पर्पस. आई एम नॉट सेइंग कि आपको मालूम है कि आपका परमेश्वर का एक इच्छा है आपके जीवन के ऊपर. ऑल ऑफ अस नो दैट. वो क्या इच्छा है अगर आपको नहीं मालूम? आई रियलाइज व्हेन पीपल डोंट हैव अ पर्पस इन लाइफ इट इज वेरी इजी टू बिकम डीमोटिवेटेड. बहुत ही आसानी से आप आलसी बन जाएंगे, बहुत ही आसानी से आप छोटे छोटे चीजों में ज्यादा ध्यान देंगे. व्हेन यू डोंट हैव अ बिग पर्पस इन लाइफ, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हॉस्पिटल में है, आपका हस्बैंड वाइफ बच्चे अगर हॉस्पिटल में है, तो यू वॉन्ट बी पेइंग अटेंशन, अरे कर्टन गंदा है, राइट? थोड़ी हम लोग ध्यान देंगे, अरे पर्दा बदलना है, बेडशीट बदल, ये सब हम नहीं बोल रहे हैं कि ये सब नहीं करना है, करना है, लेकिन उतना जरूरी नहीं रहेगा. जरूरी रहेगा कि नहीं, हॉस्पिटल में खाना पहुंचाना है, हॉस्पिटल में हमको ध्यान देना है, हॉस्पिटल में हमको वहां पे रात में हेल्प करना है, वहां पे हमको फाइनेंसेस इकट्ठा करना है. वैसे ही जब आपकी जिंदगी में आपका जिंदगी से बड़ा कोई वजह नहीं है, तब ध्यान रहेगा पैसा कमाना है, तब ध्यान रहेगा बेटा बेटी का शादी होना है. एज इफ यू नो, एंड उसके उसमें इतना चिंता रहेगा एज इफ कि यू नो दुनिया में लोग का शादी होते ही नहीं है. आए दिन शादी हो रहा है, इट्स नॉट सच अ बिग डील, हो जाएगा, लेकिन उसी में इतना ज्यादा ध्यान रहेगा पैसा कमाने में. इतना लोग को जॉब्स मिल रहा है, इतना लोग को करियर हो रहा है, लेकिन आए दिन उसी में ध्यान रहेगा. जब हम लोग का पर्पस नहीं है, तब हम लोग ये चीजों की तरफ ध्यान देंगे. एंड शैतान का यही षड्यंत्र है, क्योंकि यीशु ने कहा क्या चीज का पहले खोजो? परमेश्वर के राज्य, और ये सब चीज मिल जाएगा, जोड़ दिया जाएगा. अब क्या हो गया कि हमारा पूरा चिंता इन चीजों के ऊपर, एंड परमेश्वर का राज्य अब नहीं खुल रहा है हम लोग के, हमारे आंख नहीं खुल रहे हैं परमेश्वर के राज्य में. लुक एट हाउ टू सी गॉड, मतलब विथ लाइक, क्योंकि अभी बात की है वी कॉल पास्टर्स बट वी डोंट डिपेंड ऑन फास्टिंग एंड प्रेयर. ये दोनों कैसे हम लोग एक साथ कैसे यूज कर सकते हैं? पहला सैमुएल का पहला अध्याय सातवीं पद, हम लोग हैना का जिंदगी को देखेंगे. ओके, और वह तो प्रति वर्ष ऐसा ही करती थी, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पेनिना, याद रखिए हन्ना का जो पति था एलकाना, उसकी दो पत्नी थी, हैना और दूसरा पेनिना, उसको चिढ़ाती थी. पेनिना उसको चिढ़ाती थी क्योंकि पेनिना के बहुत सारे एक के बाद एक बच्चे हो रहे थे, हैना अभी भी बांझ थी, इसलिए वह रोती और खाना ना खाती थी, राइट? नेक्स्ट वर्स, इसलिए उसके पति एलकाना ने उसे कहा, हे हना तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती? तेरा मन क्यों उदास है? तेरे लिए क्या मैं 10 बेटों से ज्यादा अच्छा नहीं हूं, राइट? वो इसलिए रोती थी और खाना भी नहीं खा रही थी, राइट? नाउ वर्स 12, अब वो रो रो के प्रार्थना करना शुरू करती है. जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी तब एली उसका मुंह की ओर ताक रहा था. आगे बढ़ते जा, हैना अपने मन ही मन में कह रही थी, उसके होठों तो हिल रहे थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था, इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है. नेक्स्ट वर्स, तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार. आगे, हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं
मैं ना तो दाख मधु पिया हूँ पी हूँ ना मदिरा, मैंने अपना मन की बात खोल कर यहोवा से कही है। राइट, यहाँ पे इसका जो भी प्रॉब्लम था ये परमेश्वर के सामने लाई। वर्स 17 और 18, एली ने कहा कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। नेक्स्ट वर्स, उसने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। देखिए ये फास्टिंग में थी, ये फास्टिंग में थी, ये पहले प्रभु को अपना सारा प्रॉब्लम जो भी कंफ्यूजन था वो प्रकट की। एंड उसके बाद परमेश्वर एली के मुंह से उसको एक वचन दिए और बोले कि जो भी तुम परमेश्वर से चाहिए हो तुमको मिले। इफ यू आर नॉट सीकिंग गॉड फर्स्ट, तब ये हो सकता है कि इवन आई विल गिव यू द रॉन्ग काउंसिल। व्हाई? बिकॉज श्रापित है वो मनुष्य जो शरीर पे भरोसा रखता है। अल्टीमेटली मैं भी तो शरीर ही हूं। राइट, मैं भी तो शरीर ही हूं। एंड वहां पे परमेश्वर बोल रहे हैं श्रापित है वो मनुष्य जो शरीर पे भरोसा रखता है। एंड अगर आप लोग फास्टिंग प्रेयर नहीं करेंगे, सो द बेस्ट वे आई वुड से इज दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल फास्टिंग प्रेयर में अगर जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इश्यू है, जो परिस्थिति में परमेश्वर आपको लाए हैं और अब आपका अगुवाई पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहे हैं फास्टिंग प्रेयर करने के लिए, स्टार्ट फास्टिंग। यू कैन कॉल मी एंड टेल मी कि ये इश्यू है, प्लीज प्रेयर कीजिए कि परमेश्वर मुझसे बात करे। दैट्स इट। एंड यू नेवर नो, वो वाला संडे, वो वाला ट्यूजडे बाइबल स्टडी के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेंगे। बिलीव कि घर में बात करेंगे, तब फिर संडे, फिर ट्यूजडे, बार बार परमेश्वर आपसे बात करते रहेंगे, आपको जवाब मिलेगा, आपको जवाब मिलेगा। लेकिन क्या आप विश्वास करेंगे? यू डू नॉट नो कितने मसीही लोग अपना पूरा जिंदगी पार कर देते हैं परमेश्वर से कभी भी एक वचन भी नहीं सुना है। वो लोग ऑफरिंग दे रहे हैं, वो लोग चर्च अटेंड कर रहे हैं, बट दे नेवर हियर फ्रॉम गॉड, कभी भी परमेश्वर से। एंड इसीलिए देर इज नो पर्पस इन लाइफ, एब्सोल्युटली ऑर्डिनरी लाइफ। पैदा हुए, चर्च गए, बैप्टिज्म लिए, कन्फर्मेशन लिए, शादी हुआ, बच्चा हुआ, बच्चों को पढ़ाए, बच्चों को सेटल करवाए, गोइंग टू चर्च, ऑफरिंग दिए, मर गए, बरियल प्लॉट मिला, बस, दैट्स इट। नेवर हर्ड फ्रॉम गॉड, नेवर हर्ड फ्रॉम गॉड। एंड आई डोंट नो जजमेंट सीट में क्या होने वाला है। तो